वेलकम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स में ये सारे कुछ आते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन जो होते हैं सिम्टम्स, उसमें फीवर होता है, ड्राई कफ होती है और टायर्डनेस होती है, वीकनेस ही हो जाती है। फिर जो लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उनमें पेन होती है, एसिड होते हैं, फिर गला थोड़ा अजीब सा हो जाता है, ये पता नहीं क्या है, कंजक्टिविटीज हो जाती हैं, हेडेक हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, जुबान टेस्ट करना भूल जाती है, भूल जाती है कह रहा हूँ, ये छोड़ देती है, और नाक से हम स्मेल नहीं कर सकते कुछ, फिर ये रैशेज हो जाते हैं स्किन पे, और ये पता नहीं क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये जो सीरियस सिम्टम्स होते हैं, उसमें ब्रीथिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, और चेस्ट में पेन होता है, या फिर मूवमेंट में थोड़ी तंगी होती है, यहाँ पर ख़त्म ही हो जाती है। और आए अब हम पाकिस्तान का टेबल देख लेते हैं कि अभी कितने अफेक्टेड हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं, कंफर्म केसेस जो इस वक्त आ चुके हैं वो 50,694 हैं, और जो रिकवर हो चुके हैं वो 15,201 हैं, और जो डेथ्स हुई हैं वो 1,067 हैं, और जो पूरा वर्ल्ड वाइड है वो ये है। ये कंफर्म्ड इसमें 5 मिलियन है, इसमें वन, इसमें जो डेथ्स हुई हैं वो 3,333। अब हम देखेंगे कि इनसे इनकी प्रिवेंशंस क्या होती हैं। प्रिवेंशंस तो ये क्लीन योर हैंड्स, ऑफन यूज सोप एंड सेकेंडरी एंड वाटर और एन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब। उसके बाद मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनीवन हु इज कफिंग और स्नीजिंग। फिर डोंट टच योर आइज, नोज और माउथ, मतलब ये नहीं कि टच ही ना करें, मैं हाथ धो के टच कर सकती हूँ, लेकिन जैसे अगर आपने कहीं पे टच किया तो फिर आप अवॉइड करें अपने टच करना। कवर योर नोज एंड माउथ विद योर बेंड एल्बो और आर टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज। उसके बाद स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप घर पर ही रहें, ताकि आप पे जल्दी भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फिर इफ़ यू हैव अ फीवर कफ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल अटेंशन, कॉल इन एडवांस और फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ योर लोकल हेल्थ अथॉरिटी। उसके बाद ये जो एक सेकेंड, ये जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें स्नीजिंग का जो उन्होंने कहा है रुमाल या फिर कोई टिश्यू लेके करनी है, तो वो हमने ऐसे रख के, तो
फिर स्नीज करके, तो वो अगर टिश्यू है तो उसको उसी वक्त फेंक देना है, उसको अपने जिस्म के किसी और हिस्से पर नहीं लगाना। और रुमाल हो तो उसको भी पॉकेट में डाल लें या फिर बैल धूप में डाल लें या फिर धो लें। अब हम वो जो हमने एल्बो वाला कहा था, अब हम वो देखेंगे। ये देखें जी, अगर आपको छींक आए या फिर खांसी आए तो आपने ऐसे अपने एल्बोस के अंदर हाथ मुंह रख के फिर लेनी है, और ताकि ये अगर हम हाथ आगे करेंगे तो हाथ में जिस्म की और जगहों पर भी लग सकता है, लेकिन हमने एल्बो अपने मुंह पे थोड़ी लगानी होती है। और आपने मास्क ज़रूर पहन के रखना है और हाथ ज़रूर धोने हैं सोप से। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।